असलम ना आजरेना पर यूट्यूब चैनल में आप लोगों को खुश आमदेद कहते हैं ड्रामा सीरियल्स यानी कि रक्षंदा यानी रजवान की बहन का लास्ट एपिसोड में क्या होने वाला है अंजाम आज की वीडियो हम आप लोगों को बताने वाले हैं और अभी तक आप लोगों ने अंजाम वाली वीडियोस नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर से चेकआउट कर लेना किरण का अंजाम और इसके अलावा उसकी अम्मी का रज़वान का जुहेब का सबका अंजाम वाली वीडियो है आप लोग चैनल पर भी जाकर चेकआउट कर सकते हो तो चलिए इस जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और या प्रडिक्शन वीडियो होने वाली है चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो आने वाले एपिसोड में आप लोग देखने वाले हूँ यहाँ पर, यहां पर उसने बिल्कुल भी उजाला का बच्चा नहीं रहने दिया और नाजरीन आने वाले एपिसोड में वो इस पे और ज्यादा सितम ढहाने वाली है यानी नाजरीन जब यहाँ पर वो भागने का सोचेगी कि यहाँ पर ये उजाला भाग रही है और नाजरीन उसे इस बात का भी डर है कि यहाँ पर अगर ये भाग गई और यहाँ पर जवान की कहीं और शादी की तो यहाँ पर जो मेरी भाभी होगी तो वो तो शायद ये भी हो कि वो मुझसे भी ज्यादा तेज हो दस्त कदम आगे हो मेरे प्यार को मेरे भाई को अपने प्यार में ढाल ले जिसके बाद यहाँ पर जो कुछ भी दुकानों वगैरह का किराया और कुछ भी आता है यहाँ पर वो सब कुछ वही हड़प कर ले मुझे भगा दे इस घर में घुसने ना दे जिसकी वजह से नाजरीन ये सब कुछ कर रही है और ना नाजरीन आने वाले एपिसोड में यहाँ पर बहुत ज्यादा काफी हद तक रिकवर भी हो जाएगी लेकिन नाजरीन डेथ दिखाई जा सकती है इसकी अम्मी की तब भी इतना ज्यादा खास सुधरे की नहीं नहीं। लेकिन नाजरीन आने वाले एपिसोड में यहां पर ये यह उजाला या किसी और जैसी गैस ऑन करे तो यहां पर लगाए तो यह जल के मर जाए तो वैसे और उसके साथ नहीं होगा बल्कि ये खुद ही उसमें फंस जाएगी इसका कोई प्यारा फंस जाएगा जिसके बाद नाजरीन यहां पर यह बहुत ही ज्यादा सबसे माफिया मांगती फिरगी पागल सी हो जाएगी और ज़्यादा इसका एक्सीडेंट ही दिखाया जा सकता है आप लोगों को क्या लगता है कि इसका एक्सीडेंट दिखाना चाहिए या कुछ ऐसा जला वगैरह दिखाना चाहिए इसके कोई प्यारा जरूर से बताएगा ये थी हमारी प्रोडिक्शन दोस्तों शेयर कर देना अल्लाह हाफिज